एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल कटन स्टिचिंग स्टाइल्स। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप खुद की अपनी कस्टमाइज्ड वेलवेट शॉल कैसे बना सकते हैं। सो ये अभी काफी ज्यादा ट्रेंड में भी है और इसे आप अपनी पुरानी अनारकली, शरारा, गरारा किसी के भी साथ पेयरअप कर सकते हैं। आपके पास जो भी आपकी ड्रेस है उसका जो सिंपल दुपट्टा है उसको आप हटा दीजिए और उसके जगह पर आप अपना ये वेलवेट का शॉल लीजिए। और अभी विंटर्स आ गए हैं तो हमें वेलवेट की शॉल थोड़ा वार्म रखेगी और दिखने में बिल्कुल रॉयल लुक देती है, काफी सुंदर लगेगी इस वेडिंग सीजन के लिए भी। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि हम इसे कैसे बनाने के लिए देखिए मैंने ये शेनील का यानी कि वेलवेट का रॉ फैब्रिक लिया है, मार्केट से सिंपल फैब्रिक लिया है ये मैंने। और ये 2.5 मीटर यानी कि मैंने ये 2.5 मीटर लिया है क्योंकि हमारा एक नॉर्मल दुपट्टा भी 2.5 मीटर 2.25 मीटर का ही होता है। और इसके साथ मैंने ये लेस ली है बिल्कुल मैच करती हुई। आप चाहें तो कंट्रास्ट लेस भी लगा सकते हैं, बट अगर आप सेम कलर की लेस लगाएंगे तो आप इसे डिफरेंट डिफरेंट चीजों पर पहन सकते हैं, पेयरअप कर सकते हैं। और अगर आप कंट्रास्ट करके लगाएंगे तो आप एक ही के साथ इसे पहन पाएंगे। सो इसलिए मैंने ये सेम कलर की लेस ले ली है। और ये भी देखिए वेलवेट पर ही ये स्टोन्स का वर्क है, काफी अच्छी लेस है ये। तो ये मैंने 7 मीटर्स ली है अपने चारों तरफ शनील की शॉल पर लगाने के लिए। और देखिए ये मैंने कुछ लटकंस ली हैं फोर कॉर्नर्स पर इसको लगाने के लिए। सो ये वेलवेट का जो फैब्रिक है ये मैंने सिंपली मार्केट से बाय किया है। ये प्लेन फैब्रिक्स आपको इजिली किसी भी आपकी मार्केट में जहां पर आपको रॉ फैब्रिक्स मिलते हैं वहां पर आपको मिल जाएगी। और ये मुझे 120 रुपीज पर मीटर मिली है। इसकी अलग अलग क्वालिटीज होती हैं तो आपको जो भी क्वालिटी अच्छी लगे आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। 2.5 मीटर के कपड़े में आपके 2 शॉल्स बन जाएंगे। जो हमारा वेलवेट का फैब्रिक होता है इसका जो अर्ज होता है वो काफी ज्यादा बड़ा होता है, तो इसको हम सबसे पहले बीच में से देखिए कुछ इस तरीके से फोल्ड करेंगे। और हमारी नॉर्मल चुन्नी की जितनी लंबाई होती है और चौड़ाई होती है इसको मैं उतना ही रखूंगी। अगर हमने इसका पूरा अर्ज रख लिया तो ये काफी ज्यादा चौड़ी हो जाएगी और आपको ये पहनने में भी परेशानी होगी, तो इस वजह से हम इसको पहले फोल्ड कर लेंगे बीच में से। और अब इसकी हम बिल्कुल बीचों बीच में से कट कर देंगे। तो देखिए 2.5 मीटर के कपड़े में आपकी 2 शॉल्स बन जाएंगी, तो ये काफी ज्यादा अफोर्डेबल पड़ जाएगा आपको अगर आप खुद कपड़ा लेके बनवाते हैं तो। तो ये देखिए हमारी 2 शॉल्स की कटिंग हो गई है और इसकी जो लंबाई है वो करीब 2.5 मीटर की है। और इसकी चौड़ाई मैं आपको बता दूं, इस कपड़े की चौड़ाई है वो देखिए करीब 32.5 इंच है। तो इसको आपको एक बार मेजर कर लेना है क्योंकि जो वेलवेट है वो बहुत अलग तरीके के आते हैं, किसी की चौड़ाई कम होती है किसी की ज्यादा होती है, तो उसको आपको एक बार मेजर कर लेना है और इतना ही रखकर आपको इसकी कटिंग करनी है। इसका अर्ज काफी अच्छा था इसलिए हमारी 2 स्टॉल्स निकल गई। तो इसी तरह से आप अगर लेंगे तो आपका भी बीच में से आपको केवल कट करना होगा, तो आप इसे अपनी नॉर्मल चुन्नी के बराबर रखिए, उससे बड़ा आपको रखने की जरूरत नहीं है। सो इसमें अब हम अपनी लेस लगाएंगे। लगाना बहुत ही ज्यादा ईजी है, तो आइए देखते हैं हम लेस कैसे लगाएंगे। देखिए शॉल की रॉन्ग साइड की तरफ, ये हमारी शॉल की रॉन्ग साइड है यानी कि उल्टी वाली तरफ है, आपको लेस को इसको इस तरफ से रखना है। देखिए इस तरीके से करीब 1/2 इंच दबाते हुए हम लेस को यहाँ पर स्टिच करेंगे। देखिए कपड़े के उल्टी साइड की तरफ आपको लेस जो है वो सीधी करके रखनी है और यहाँ पर 1/2 इंच कपड़ा इस तरीके से दबाते हुए हम पूरी लेस को चारों तरफ से पहले स्टिच करेंगे। और यहाँ पर हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं जोड़ना, सिंपली हम यहाँ पर पूरे में स्टिच करेंगे, सीधी सिलाई लगाएंगे केवल। देखिए यहाँ से हमने इसको 1/2 इंच ऊपर रखा है क्योंकि यहाँ से हमें 1/2 इंच दबाते हुए पूरे में सिलाई लगानी है, इसलिए पूरा आपको यहाँ कोने तक सिलाई नहीं लगानी, यहाँ से आपको 1/2 इंच ऊपर ही सिलाई अपनी रोक देनी है। और उसके बाद अब देखिए बूट को ऊपर कर दीजिए और जो सुई है हमारी वो हमारी लेस के अंदर ही है यानी कि कपड़े के अंदर ही है। अब आप कपड़े को और लेस को इस तरीके से घुमाइए, ये देखिए इस तरीके से जस्ट आपको घुमाना है, यहाँ पर आपको कोई प्लेट नहीं डालनी, कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आपको जस्ट घुमाना है
और जैसे आप सिलाई लगा रहे थे बिल्कुल वैसे ही आपको सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए ऐसे ही आपको अपने चारों कोनों पे करना है। ये देखिए हमने इसको चारों तरफ पर अच्छे से स्टिच कर दिया है और ये हमारा एंड वाला पार्ट है। अब इसको भी हम बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग से बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम इसको कुछ इस तरह से तिरछा कट करेंगे, उसके बाद हम अपनी पूरी लेस को अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए हमने लेस को यहाँ पर तिरछा रखते हुए कट कर लिया है। अब इसको हम अपने शॉल की राइट साइड की तरफ टर्न करेंगे। तो देखिए ये हमारी नीचे वाली लेस है, इसको हम पहले इस तरह से टर्न कर लेंगे और इस वाली लेस को भी देखिए पूरा इस तरफ से टर्न कर लेंगे। अब ये थोड़ा इम्पोर्टेंट स्टेप है तो आप इसे थोड़ा सा ध्यान से देखिए तो आपको ये अच्छे से समझ आएगा और जो आपकी शॉल की जो कॉर्नर्स हैं वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनेंगे। तो देखिए हमने पूरे कपड़े को राइट साइड की तरफ फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ से हमें कुछ इस तरीके से तिकोना फोल्ड करना है इसको, और अब ये वाली लेस को हमें सीधी साइड की तरफ टर्न करना है, देखिए कुछ इस तरीके से। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा एक बहुत ही क्लीन एक कोना जैसा बन जाएगा। अब यहाँ पर हम इस तरह से सीधी सिलाई लगाएंगे और पूरी लेस को देखिए राइट साइड की तरफ टर्न करते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। सो अब ये हमारा देखिए कॉर्नर वाला पार्ट आ गया है। तो इसको भी आपको जस्ट सिंपली जैसे हम ये वाली राइट साइड की तरफ फोल्ड किया है वैसे ही ये वाली भी राइट साइड की तरफ फोल्ड किया है। यहाँ पर देखिए आपको सिंपली इस तरीके से ये आपको कॉर्नर बनाना है। देखिए जैसे हमने ये वाली फोल्ड की है, जस्ट सिंपली आपको ये वाली ऊपर की साइड पे फोल्ड करनी है। ये देखिए आप इस वाली लेस को जब सीधी वाली साइड की तरफ इस तरह से टर्न करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पर एक कॉर्नर बन जाएगा और आपको बिल्कुल भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप अपनी लेस को सीधी साइड की तरफ टर्न करेंगे ये देखिए यहाँ पर हमारा कॉर्नर बन जाएगा। अब यहाँ पर ऐसे ही हमें सिलाई लगा लेनी है। ऐसे ही हमारा ये नेक्स्ट कॉर्नर आ गया है। अब इसको भी हम सिंपली इस तरीके से ये देखिए यहाँ पर पहले आप अच्छे से इसको फोल्ड कर लीजिए और जब हम इसे इस तरीके से सीधी साइड की तरफ टर्न करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिकली हमारा यहाँ पर एक कॉर्नर बन जाएगा। अब यहीं पर हमें इस पूरे में सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए हमने अपनी पूरी शॉल पर ये लेस को लगा लिया है और ये देखिए इसके कॉर्नर्स भी काफी फिनिशिंग से आए हैं और आप इसके बैक पार्ट से भी देख सकते हैं कहीं से हमारा कुछ एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं दिख रहा और पूरी हमारी जो लेस है बिल्कुल अच्छे से अटैच हो गई है पूरे में। देखिए सेम इसी तरीके से आप अपने किसी दुपट्टे पे भी लेस लगा सकते हैं, लेस लगाने का पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा। अब देखिए इसके चारों कॉर्नर्स पर मैं ये सेम कलर की जो मैंने लटकन ली थी वो लगा लूंगी। सिंपली सुई धागे से हम अब इसके फोर कॉर्नर्स पर इसको अटैच कर लेंगे। ये देखिए हमारी शॉल बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है और काफी सुंदर काफी रॉयल लुक आ रहा है इससे। आप इसे डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से ड्रेप कर सकते हैं, अपने फॉर्मल्स के साथ, एथनिक वेयर के साथ रीयूज कर सकते हैं, अपने पुराने कपड़ों के साथ इसे बहुत सारी क्रिएशंस कर सकते हैं आप। और अगर आपको देखना है कि हम इसे किस किस तरीके से ड्रेप कर सकते हैं और इसे कैसे कैसे हम अपनी पुराने कपड़ों के साथ रीयूज कर सकते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं उसका एक सेपरेट वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी कि हम अपनी एक शॉल को डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से कैसे यूज कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ मैं आपको एक टिप भी देना चाहूंगी कि जब भी आप अपना शनेल का वेलवेट लेने जाते हैं तो आप हमेशा इसको डार्क कलर का ही लीजिए, जैसे कि मेहरून, नेवी ब्लू, डार्क पिंक, इस तरीके के फैब्रिक्स लीजिए जो आपके पुराने ओल्ड फैब्रिक्स हैं उनके साथ बहुत ही अच्छा जाएगा और काफी अच्छा रॉयल लुक देगा। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं।
another day. Till then, bye bye to the house.